तो हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट आर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आज हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करेंगे अपने लेसन फुट प्रिंट्स विदाउट फीड जिसकी हमने एक्सप्लेनेशन विद रीडिंग हमने इससे पहली वाली वीडियो में कर ली है सो so, पहला क्वेश्चन है हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट ग्रिफिन को एज अ साइंटिस्ट आप लोग किस तरह से एनालाइज करेंगे आप लोग कैसा उसे मानेंगे एज अ साइंटिस्ट एज अ साइंटिस्ट ही आपका क्वेश्चन से आ जाएगा ग्रिफिन ग्रिफिन भी क्वेश्चन से आ जाएगा वॉज वेरी ब्रिलियन वो बहुत इंटेलिजेंट था हे डिस्कवर्ड डिकवर्ड मतलब खोजना उसने खोजी थी एक रेयर ड्रग दैट कुड मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट जो ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना सकती थी नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू बॉयज इन लंडन वर सरप्राइज एंड फैसिनेटेड वाई लंडन में दो लड़के क्यों सरप्राइज और फैसिनेटेड हो गए थे ये आपने स्टोरी की स्टार्टिंग में देखा था द टू बॉयज़ इन लंडन व सरप्राइज एंड फैसिनेटेड ये आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये यह पूरा क्वेश्चन से आया है ये आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा इतना लाइन एज दे यहाँ से आपको लर्न करना ऐज दे सौ मर्टी मडी मतलब मिट्टी से भरे हुए इम्प्रिंट्स मतलब निशान ऑफ बेयर फुटेड बेयर फुटेड मतलब नंगे पैर आदमी के निशान उन्होंने देखे बट कुड नॉट सी दैट मैन लेकिन उस मैन को वो नहीं देख पा रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डेड ग्रिफिन डू इन साइड द लंडन स्टोर ग्रिफिन ने लंडन स्टोर के अंदर क्या किया तो ग्रिफिन फाउंड सम वॉम क्लॉथ्स इनसाइड द लंडन स्टोर ग्रिफिन ने स्टोर के अंदर कुछ गरम कपड़े लिए ही एट मीट उसने मीट खाया एंड ड्रैंक और उसने पी थोड़ी कॉफ़ी ही हैड स्वीट्स एंड वाइन ऑल्सो उसने थोड़ी मिठाइयाँ खाई और उसने वाइन भी ली खुद को गर्म रखने के लिए देन ही ले डाउन ऑन अ पाइल ऑफ क्यूल्स उसके ले डाउन मतलब लेट जाना ले डाउन का मतलब है लेट जाना और पाइल पाइल का मतलब ढेर क्यूल्स मतलब ब्लैंकेट फिर वो स्टोर के अंदर पड़ी हुई ब्लैंकेट्स के ढेर के ऊपर वो लेट गया अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंडन स्टोर एस्केप का मतलब भागना या गायब हो जाना या भाग जाना हाउ डिड ग्रिफिन ग्रिफिन कैसे भागा फ्रॉम द लंडन स्टोर अपने आप को एस्केप मतलब अपने आप को बचा कर भाग जाना ग्रिफिन एस्केप्ड अब आप इस क्वेश्चन जब क्वेश्चन पूछा जाता है मान लो प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछा गया लेकिन जब आप उसका आंसर देंगे तो आप उसे हमेशा पास्ट टेंस में करते हैं तो इसलिए एस्केप प्रेजेंट टेंस में और उसको पास्ट टेंस में करने के लिए आपने यहाँ पे इसके साथ डी लगाया है ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंडन स्टोर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो लाइन है ये क्वेश्चन से आ जाएगी ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंडन स्टोर बाय टेकिंग ऑफ टेकिंग ऑफ मतलब उतारना बाय टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स फ्रॉम एंड बिकेम इनविजिबल जैसे जैसे उसने कपड़े उतारे और फिर वो इनविजिबल हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ग्रिफिन एंटर द शॉप ऑफ अ एटोरिकल कंपनी व्हाट डिड ही डू देयर जब वो एक नाटक कंपनी की दुकान पर गया था तब उसने वहां पर क्या किया ग्रिफिन फाउंड बैंडेजेस टू वेयर अराउंड हिज फोरहेड उसने वहां पर कुछ पट्टियां ली जिसको वो अपने माथे के आसपास पहन सकता था ही फाउंड डार्क ग्लासेस उसने डार्क uh, ग्लासेस काले चश्मे उसे मिले फॉल्स uh, नोज एक नकली नाक उसे मिली एक लार्ज हैट एक बड़ी सी हैट उसे मिली देन ही हिट द शॉपकीपर उसके बाद उसने ये सब लेने के बाद उसने क्या किया हिट मतलब मारना उसने शॉपकीपर शॉपकीपर uh, को मारा एंड रैन अवे विद हिज मनी फिर उसे लूट लिया और उससे उसके पास जितनी मनी थी वो सारी लूट के वो भाग गया नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉय वॉज द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर इन अ विलेज इन एन अनयूजल इवेंट गिव टू रीजन्स स्ट्रेंजर का अराइवल अराइवल मतलब आना एक स्ट्रेंजर का आना गांव के होटल में एक अनयूजअल एक अजीब इवेंट क्यों था एक अजीब किस्सा क्यों था गिव टू रीज़न्स इन्होंने हमें इन्होंने हमसे दो रीज़न्स पूछे हैं द अराइवल ऑफ़ द स्ट्रेंजर इन अ विज इन वॉज एन अनयूजअल इवेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इतना टेक्स्ट आपको क्वेश्चन से मिलने वाला है इवेंट uh, तक यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे फिर आंसर एज नो वन एज नो वन एवर कम देयर एज अभी तक कोई भी वहाँ पर कम देयर इन दैट कोल्ड सीजन अभी तक वहाँ पर कोई भी इतने सर्दी के मौसम में नहीं आता था मोर ओवर ही हैड अ वेरी अनयूजल अपेयरेंस पहला रीज़न है कि इतनी सर्दी में वहाँ पर कोई भी नहीं आता था कोई भी टूरिस्ट नहीं आता था दूसरा रीज़न है कि उसकी जो अपीयरेंस थी वो बहुत अजीब थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ डिड द साइंटिस्ट लुक वेन ही केम टू द इन साइंटिस्ट कैसा दिखता था जब वो होटल में आया तो जाहिर है बहुत ही अजीब दिखता होगा आंसर देखते हैं ही हैड बैंडेज राउंड हिज फोर हैड माथे के और इर्द गिर्द उसने पट्टियाँ बांध रखी थी ही हॉज वेयरिंग डार्क ग्लासेस काले चश्मे पहन रखे थे ही हैड अ फॉल्स नोज नकली नाक लगाई थी उसने बिग विस्कर्स बड़ी बड़ी मूठे थी एंड वो हैड और उसने एक हैट पहन रखी थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द लैंड लॉर्ड वाइफ वॉज कन्विंस्ड दैट ग्रिफिन वॉज एन ई सेंट्रिक साइंटिस्ट वॉट मेड हर थिंक ऑफ ग्रिफिन इन दीज टर्म्स लैंड की जो वाइफ थी उसे कैसे वो कैसे कन्विंसड हुई वो कैसे उसने माना कन्विंस मतलब मान लेना कैसे उसने माना कि ग्रिफिन जो था वो एक ई सेंट्रिक ई सेंट्रिक मतलब थोड़ा अब नॉर्मल साइंटिस्ट था वट मेड हर थिंक ऑफ ग्रिफिन इन दीज टर्म्स उससे क्यों ऐसा लगा द लैंड वाइफ वॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो टेक्स्ट है वो आपको क्वेश्चन से मिलने वाला है तो वो आप वैसा का वैसा लिख लीजिएगा फर्स्ट लाइन यहाँ से ही हैड कम टू नो ही हैड कम टू द इन इन विंटर सबसे पहले वो विंटर में आया था वहाँ पर हिज अपेयरेंस वॉज अनयूजल वो दिखता बहुत अजीब था ही नेवर टॉक टू एनी वन और वो किसी से भी बात नहीं करता था ये सब चीज़ें लैंड लॉर्ड की वाइफ को बहुत ही अजीब लगी अगला देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन वॉट वॉज द क्यूरियस एपिसोड दैट दुक प्लेस इन द क्लर्जी मैन स्टडी ऐसा क्या अजीब एपिसोड हुआ था क्लर्जी मैन की स्टडी में क्लर्जी मैन आपको बताया ऐसे इंसान जो रिलीजियस एक्टिविटीज के साथ जुड़े होते हो द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ हर्ड द नॉइस ऑफ चिंक ऑफ मनी क्वाइंस की आवाज उन्होंने सुनी अपनी स्टडी से फ्रॉम देयर स्टडी दे फाउंड नो बॉडी देअर बट द मनी वॉज मिसिंग वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिला लेकिन मनी वहां से मिसिंग थी मनी वहां पर नहीं थी क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन क्या है ये हम देख लेते हैं हम्म क्वेश्चन नंबर टेन है द लैंड लॉर्ड एंड हिज वाइफ वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन वर दे सरप्राइज वट थ्री एक्स्ट्राडनरी थिंग्स हैपन इन द रूम इसका आंसर हम देखते हैं यहां द लैंड लॉर्ड एंड हिज वाइफ वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन एज ही गॉड एंग्री इफ एनी वन एंटरड हिज रूम तो देखिए आपको जो इसकी लाइन uh, है द लैंड लॉर्ड एंड हिज वाइफ वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन यहां तक आपको पूरा जो टेक्स्ट है ये क्वेश्चन से मिल जाएगा यहाँ से आप लोग लर्न करें आपको एज ही गॉड एंग्री क्योंकि उसे गुस्सा आ जाता था इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम अगर कोई भी उसके रूम में एंटर होता था मिसेस हॉल नो वन इन द रूम अब रूम में जाकर उन्हें उन्होंने क्या देखा मिसेस हॉल को कुछ भी नहीं दिखा रूम में येट शी हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर लेकिन फिर भी उसे एक सांस की आवाज़ अपने कान के पास सुनाई दी देनो हैड डैश हर फेस एक हैड उसके फेस पर आकर जोर से लगी और तीसरी जो अनयूजल चीज वहां पर हुई अजीब चीज जो वहां पर हुई वो थी चेयर पुस्ड मिस्टर एंड मिसेज हॉल आउट ऑफ द रूम जो चेयर थी उसने धकेल धकेल कर मिस्टर और मिसेज हॉल को रूम से बाहर निकाल दिया था क्वेश्चन नंबर इलेवन दिख लेते हैं मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टोरिक्स रेड में लिखा है ये आपको ये जो टेक्सट है यह आपको क्वेश्चन से मिलने वाला है इसलिए अगर आंसर बड़ा भी लगे तो घबराना नहीं है क्योंकि कुछ पोर्शन आपको उसका क्वेश्चन से मिलने वाला है मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिक्स शी था हर मदर स्पिरिट है चेयर और इसमें एक जो ह्यूमर वाली जो थोड़ा uh, हंसी वाली बात यह है जो uh, पूछी है हमसे कि उसे लगा कि उसकी माँ की आत्मा जो है वो उस चेयर में एंटर हो गई है सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द साइंटिस्ट वॉज फ्यूरियस वॉट डिड ही डू इन एंगर वाई वर द पीपल इन द बार हॉरीफाइड द साइंटिस्ट वॉज फ्यूरियस साइंटिस्ट बहुत ही गुस्से में था ही रिमूवड हिज बैंडेजेज उसने अपनी सारी की सारी जो बैंडेजेज हैं वो उतार दी अपनी विस्कर्स विस्कर्स विस्कर ग्लासेस अपनी uh, चश्मे फॉल्स नोज एंड हैट सब कुछ उसने उतार दिया अब वो कैसा दिखता था नाउ ही लुक्ड हेडलेस पर्सन एक ऐसा इंसान जिसका हेड ही नहीं था इसलिए जो बार में जो लोग बैठे थे वो डर गए थे हॉरीफाइड मतलब डर जाना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन वट हैपन टू द कॉन्स्टेबल कॉन्स्टेबल के साथ क्या हुआ एज अ कांस्टेबल ट्राई टू कैच द साइंटिस्ट जैसे ही कॉन्स्टेबल ने साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश की ही बिकेम इनविजिबल वो जो साइंटिस्ट था वो पूरा का पूरा इनविजिबल हो गया कैसे हुआ होगा ऑब्वियसली बाय टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ सारे के सारे अपने कपड़े रिमूव करके ही बिगेन टू हिट the constable. उसने constable को मारना शुरू कर दिया उस scientist ने गायब होने के बाद And constable fell down unconscious. और जो constable है वो बेहोश होकर नीचे गिर गया ना क्वेश्चन अब जो scientist था वो बहुत ही इरिटेटिंग टेम्पर का था मतलब उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था इसकी एक एग्जाम्पल हमसे पूछी गई है जिससे ये बात प्रूव होती हो तो एग्जाम्पल है इसकी वेन मिसिज हॉल क्वेश्चन द साइंटिस्ट जब मिसिज हॉल ने साइंटिस्ट को क्वेश्चन किया कि हाउ ही हैड एंटर द लॉक्ड रूम हाउ कैसे वो एंटर हुआ एक बंद कमरे में तो साइंटिस्ट जो था ही लॉस्ट हिज टेम्पर साइंटिस्ट ने अपना जो टेम्पर है वो लूज कर दिया एंड बिकेम वायलेंट और वो वॉयेंट बन गया और उसने मिसेस हॉल पर अटैक किया सो so, ये थे हमारे फोर्टीन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जिसकी हमने विद एक्सप्लेनेशन ये मैंने आपको आंसर्स मैंने आपको समझाए ये आंसर्स मैंने थोड़े शॉर्ट किए हैं खुद तो आप इन्हें आप लर्न कर सकते हैं स्पेशली जो बच्चे जिनको बड़े आंसर्स लर्न करने में थोड़ी दिक्कत होती है वो लोग ये आंसर्स आराम से लर्न कर सकते हैं सो so, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा मुझे सो so, अच्छे से पढ़ो थैंक यू बच्चों ओके